नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठों का क्या हुआ। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में जाना कि छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज और साईं बाई के सबसे बड़े पुत्र हैं तथा उनकी परवरिश जीजा माता ने की। हमने संभाजी महाराज का इतिहास जाना और साथ ही साथ ये भी जाना कि कैसे और किन हालात में और कितनी दर्दनाक उनकी मृत्यु हुई। आज के वीडियो में हम जानेंगे आखिर उनकी मृत्यु के बाद मराठों का क्या हुआ। मार्च 1689 को औरंगजेब के द्वारा अमानवीय यातनाएं देकर संभाजी राजे की हत्या कर दी गई। हत्या से पहले उनके नाखूनों को खींचकर उखाड़ दिया गया, उनकी जीभ काट दी गई, उनके शरीर के अंग अंग को काटा गया, उनके सर को काटकर उनके शरीर में भूसा भर दिया गया और नगाड़ों के साथ उन्हें बाहर भेजा गया कि दिखाने के लिए कि उन्होंने छत्रपति के साथ क्या किया है। हमने मराठों को कुचल दिया, लेकिन इसका परिणाम मुगल साम्राज्य को बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा, ये बात औरंगजेब नहीं जानता था। हम बात कर रहे हैं संभाजी राजे की हत्या कर दी गई है, तब मराठों की राजधानी रायगढ़ में क्या हुआ। रायगढ़ में इस वक्त संभाजी राजे के 7 वर्षीय पुत्र थे जिनका नाम था शाहूजी। शाहूजी संभाजी राजे और येशुबाई के पुत्र थे और इस वक्त संभाजी राजे के भाई राजा राम का राज्य अभिषेक किया गया था सन 1689 में और उन्हें अगला छत्रपति बना दिया गया। थोड़ा और अच्छे से जानते हैं, छत्रपति शिवाजी की पत्नी थी साईबाई जिनके पुत्र थे संभाजी और संभाजी के पुत्र हुए शाहूजी। वहीं छत्रपति शिवाजी की दूसरी पत्नी थी सोयराबाई और उनके पुत्र हुए राजा राम। संभाजी राजे के मरने के बाद राजा राम को अगला छत्रपति बना दिया गया। इनका शासनकाल 11 वर्षों का रहा सन 1689 से 1700 तक, लेकिन जब मार्च 1689 में संभाजी की मृत्यु हुई थी तो मराठों को कमजोर समझकर मौके का फायदा उठाते हुए औरंगजेब ने जुल्फिकार खां के नेतृत्व में मराठों की राजधानी रायगढ़ पर कब्जा करने के लिए सेना भेज दी। और जब मुगल सेना आई तो मुगल सेना के बालक शाहूजी और उनकी माता येशुबाई और कुछ अन्य लोगों को बंदी बना लिया, लेकिन येशुबाई के कहने पर मंत्री के सहयोग से राजा राम को सुरक्षित रायगढ़ से बाहर निकाल दिया गया। राजा राम जीवन भर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुगलों से छुपते रहे और मुगलों से संघर्ष करते रहे और सन 1700 में फेफड़ों की बीमारी के चलते इनका निधन हो गया। इसके बाद मराठा साम्राज्य में क्या हुआ ये जानने से पहले हम देखेंगे 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद औरंगजेब के 2 पुत्र आजम और मुअज्जम दोनों भाइयों के बीच राज सिंहासन को लेकर लड़ाई छिड़ गई, जिसे जाजव का युद्ध कहा जाता है। जाजव वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आगरे में आता है। इस लड़ाई में मुअज्जम ने आजम को पराजित कर दिया। इसके बाद मुअज्जम ने अगले मुगल काल में शासन किया, जिसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई से पहले शाहूजी जो कि औरंगजेब की कैद में थे, आजम ने उनको इसलिए रिहा कर दिया था कि शाहूजी दक्षिण में जाएंगे और मराठों की सेना लेकर लड़ाई में आजम का साथ देंगे और उसे मुगल सल्तनत का शहनशाह बनाने में उनकी सहायता करेंगे। लेकिन जब शाहू दक्षिण पहुंचे तब वहां कुछ और ही हुआ, और क्या हुआ चलिए जानते हैं। जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि छत्रपति राजा राम की 1700 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी और तब उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्ष के बेटे शिवाजी को अगला छत्रपति बनाया। दोस्तों, ये मराठा समाज के लिए संस्थापक शिवाजी महाराज शिवाजी नहीं है, दूसरे शिवाजी हैं जिन्हें शिवाजी द्वितीय के नाम से जाना जाता है। शिवाजी महज 4 साल के थे, उनको उनकी माँ ताराबाई ने छत्रपति बनाते हुए स्वयं उनकी संरक्षिता बन गई थी और संरक्षिता के तौर पर शासन किया। अब देखा जाए तो शासन करने वाले शिवाजी द्वितीय की असल में शासन कौन कर रहा था, ताराबाई यानी कि उनकी माँ। तो अब जब शाहूजी दक्षिण में गए हैं सोचकर कि अब तो वह स्वयं वहां जाकर राज करेंगे, लेकिन वो क्या देखते हैं, वहां तो ताराबाई का शासन था जो कि शाहूजी की चाची है। तब उन्होंने ताराबाई से कहा कि अगर मेरे पिताजी की हत्या नहीं होती तो यहाँ का अगला शासक मैं होता, और इतिहास के हिसाब से देखा जाए तब भी राजा का बेटा ही राजा होता है। मुझे औरंगजेब ने कैद कर लिया था लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ, मुझे मेरा राज्य दे दीजिए। लेकिन ताराबाई ने राज्य देने से मना कर दिया और तभी उन दोनों के बीच युद्ध हुआ सन 1707 में। एक और युद्ध हुआ दोस्तों, पहला जो हमने आपको बताया औरंगजेब के बेटों के बीच हुआ सिंहासन को लेकर, और दूसरा हुआ दक्षिण में सिंहासन के लिए। तो जैसा कि हमने बताया, ताराबाई और शाहूजी के बीच युद्ध हुआ जिसे खेड़ा का युद्ध कहा जाता है। इसमें शाहूजी ने ताराबाई को पराजित कर दिया, यानी शिवाजी द्वितीय पराजित हो गए। उस समय शिवाजी द्वितीय सिर्फ 11 या 12 साल के रहे और मराठों के केंद्र पर शाहूजी का अधिकार हो गया, जिसे सतारा कहा जाता है।
और तभी ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को लेकर कोल्हापुर चली गई। तभी से दूसरे मराठों का केंद्र हो गया कोल्हापुर। ये खेड़ा का युद्ध दक्षिण में हुआ और मराठों में हुआ। तभी आधे लोगों ने शाहूजी का साथ दिया और आधों ने ताराबाई का। और शाहूजी का साथ देने वाले मुख्य लोगों में सबसे पहले नाम आता है बालाजी विश्वनाथ का। यह बालाजी विश्वनाथ वही हैं जिनके पुत्र आगे जाकर पेशवा बनेंगे, बाजीराव प्रथम। बालाजी विश्वनाथ कोंकड़ क्षेत्र चित्पावन के ब्राह्मण थे। इन्होंने शाहूजी का साथ दिया था। इसके अतिरिक्त परसोंजी भोंसले और रेणुजी सिंधिया जी भी इनके साथ में थे। अब बात करते हैं ताराबाई के साथ कौन थे, धन्नाजी यादव और कान्होजी आंगड़े। लेकिन दोस्तों, बालाजी विश्वनाथ ने इस प्रकार कूटनीति का काम किया कि ताराबाई की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया और इसी रणनीति के साथ ताराबाई को पराजित कर दिया। और इसी के चलते शाहूजी बालाजी विश्वनाथ से खुश हुए और उन्हें अपना सेना कर्त बना दिया। और बाद में 1713 ईस्वी छत्रपति शाहूजी के द्वारा बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त कर दिया गया। वह 1713 से 1720 तक पेशवा बने रहे। दोस्तों, अपने हमेशा चाहा वो किताब हो या फिल्म, यह पेशवा शब्द सुना है, लेकिन आखिर ये पेशवा शब्द क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए, बात करते हैं सन 1674 की, जब छत्रपति शिवाजी राजे का राज्याभिषेक किया गया। उनके राजा बनने के बाद शिवाजी ने अपने पूरे राज्य संचालन की व्यवस्था को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए 8 लोगों का एक मंत्रिमंडल बनाया। उस मंत्रिमंडल का नाम रखा गया था अष्टप्रधान। इस प्रकार की व्यवस्था आजकल की सरकार द्वारा भी की जाती है, जिसमें अलग अलग विभाग में लोग अपना अपना काम देखते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि विभागीय व्यवस्था हमें ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश लोगों के द्वारा मिली है, हमें उनसे सीखा है। लेकिन दोस्तों, एक बार हमारे मराठा इतिहास को उठाकर देखिए, यह व्यवस्था छत्रपति शिवाजी ने बहुत पहले ही कर दी थी। और अगर विक्रमादित्य का जिक्र करें तो उनके दरबार में भी नवरत्न हुआ करते थे। खैर, अब देखते हैं कि उन्होंने 8 लोगों की यह व्यवस्था बनाई, जिसमें सचिव, अमात्य, मत प्रधान, मंत्री, सेनापति, सुमंत, न्यायाधीश और पंडित राव जैसे कि आजकल होता है, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री वगैरह वगैरह। इन 8 लोगों में से जो सबसे बड़ा होता था उसे कहा जाता था पंत प्रधान यानी पेशवा। परंतु इन सभी पर छत्रपति ही राज करते थे। वो जब चाहे किसी को भी इन 8 पदों से मुक्त कर सकते थे और जब चाहे उन्हें नियुक्त कर सकते थे। लेकिन बाद में जब शाहूजी छत्रपति बने, तब उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया यानी पंत प्रधान बनाया। लेकिन समय बीतता गया और छत्रपति के पद की शक्ति कम होती गई और पेशवा पद की बढ़ती गई। और बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उन्हीं के बेटे बाजीराव, जिन्हें बाजीराव प्रथम के नाम से जाना जाता है, वो पेशवा के पद पर नियुक्त हुए, जो 20 साल के थे और वह 1720 से 1740 तक पेशवा रहे। इनकी मृत्यु के बाद इनके जो पुत्र थे बालाजी बाजीराव, वो पेशवा बने। लेकिन बाद में जब सन 1749 में छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद राजाराम द्वितीय छत्रपति बने। उस समय छत्रपति और पेशवाओं के बीच एक संधि हुई थी, जिसे संगोला की संधि कहा जाता है। उस संधि के द्वारा छत्रपति को जो भी शक्तियां थी वो पेशवा को दे दी गई और अब सत्ता का केंद्र सतारा की जगह पुणे हो चुका था और इस पद को राजा की तरह कर दिया गया था, अर्थात पेशवा का बेटा ही पेशवा होगा। और अब ये सत्ता मराठा संघ में आ गई। तो जैसा कि हमने जाना, पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक पेशवा रहे। उन्होंने पूरे दक्षिणी इलाके के चोत वसूली के अधिकार ले लिए। उस समय मुगलों के शासक थे फर्रुख सियार और उन्होंने दक्कन का सूबेदार हुसैन अली को नियुक्त किया था। तब सन 1718 से 19 में हुसैन अली और बालाजी विश्वनाथ के बीच एक समझौता हुआ और इस समझौते को रिचर्ड टेम्पल का नाम दिया गया। मराठों के लिए स्वर्ण पत्र, मतलब मराठों को जो चाहिए था वो उसे मिला और मुगलों की मजबूरी थी कि वो उन्हें देना पड़ा। मराठों ने उनसे हैदराबाद, बरार, खानदेश और गोंडवाना, इसके इलाके जो मराठों के पास रहे वो रहेंगे ही, इसके अलावा हमारे जो भी लोग मुगलों ने बंदी बनाए हैं उन्हें भी रिहा करो। इन सब के बदले मराठों ने मुगलों को सालाना 10 लाख रुपए देने की बात की और साथ ही जब भी आपको सेना की जरूरत होगी मराठों की 15,000 सेना आपके लिए तैयार होगी, ये समझौता किया गया। लेकिन यह सब मुगलों ने क्यों किया, इसके बदले हुसैन अली की चाल थी। वो फर्रुख सियार को, जो उस समय मुगलों का शासक था, उसे मारकर स्वयं शासक बनना चाहता था। लेकिन फर्रुख सियार हुसैन अली की सहायता से बादशाह बना था और अब फर्रुख सियार ने हुसैन अली के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए थे। तब हुसैन अली ने चाल चली। हुसैन अली जानते थे कि मराठों के सहयोग के बिना यह असंभव था और बाद में मराठों की 15,000 सेना लेकर दिल्ली की ओर आक्रमण किया और फर्रुख सियार को मरवा दिया। दिल्ली में चारों तरफ मराठा ही मराठा थे।
मराठों की सहायता से, इसके अलावा मारवाड़ के शासक महाराजा अजीत सिंह और भरतपुर के जाटों की सहायता से इन सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को मौत के घाट उतरवा दिया। सैयद बंधुओं ने अफगानों और पठानों को आदेश दिया और इन्होंने फर्रुखसियर को मुगलिया हरम से बालों से पकड़कर घसीटा और बंदी बना लिया और ठीक उसी प्रकार मारा गया जैसे उसने बंदा सिंह बहादुर को मारा था। इतनी क्रूरतापूर्वक तो नहीं मारा, किंतु उसी मौत को दर्दनाक अवश्य बनाया गया। अब मुगल शाहूजी ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट के साथ समझौता या संधि कर रही, तो मुगल भी ये मान रहे हैं कि मराठों का मुख्य केंद्र है कोल्हापुर नहीं सतारा है। वो भी शाहूजी को मराठों का मुख्य छत्रपति मानते हैं। खैर, अब पेशवा बालाजी भट्ट के बाद जो कहानी शुरू होती है वो इनके बेटे की, यानी बालाजी विश्वनाथ भट्ट के बेटे पेशवा बाजीराव के, जो एक महान योद्धा साबित हुए। पेशवा बाजीराव ने मुल्तान से भी चोट वसूली की थी। इन्होंने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था, जजीरा के सिद्धियों को पराजित कर दिया था, इन्होंने हैदराबाद के निज़ाम को भी हरा दिया था। बाजीराव एक महान योद्धा थे, एक गजब के लड़ाके और रणनीतिकार थे। तो ये था इतिहास संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद का। अगली वीडियो में आपको एक और कहानी बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।